दोस्तों आज हमारे पास जीरोक्स या फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए कुछ पेपर्स हैं, बहुत सारे इसमें ब्रांड रखे हुए हैं और उसके साथ ही साथ A3 साइज, FS साइज, उसके बाद बॉन्ड पेपर भी अवेलेबल हैं। और इन पेपरों पे क्या क्या प्रिंट किया जाता है और कौन से ब्रांड के पेपर, कितने GSM के पेपर अपने प्रिंटर में यूज करेंगे तो प्रिंटर की लाइफ बनी रहेगी, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अधिकतर फोटोकॉपी या डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए A4 साइज के पेपर ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं और इनमें से बहुत सारे GSM होते हैं, 65 GSM से स्टार्ट होता है, उसके बाद 75 GSM तक आप यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग या जीरोक्स के लिए। उसके ऊपर अगर यूज करते हैं तो वो बॉन्ड पेपर में आता है, तो बॉन्ड पेपर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं जीरोक्स के लिए। तो दोस्तों जीरोक्स में 65 से 65 का सजेशन तो हम नहीं देंगे कि अगर 65 GSM का अगर पेपर यूज करते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि बार बार वो इतना लूज होता है कि जब भी प्रिंटर पेपर को जैसे ही पिकअप करता है यानी कि खींचता है तो वहाँ पे मुड़ने का चांस ज़्यादा होता है और मुड़ के पेपर आपके प्रिंटर में फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, जिसके वजह से प्रिंटर में बहुत सारी खराबियाँ जाती है, सर्विस की ज़रूरत होती है, तो इन सभी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। यदि आप लेज़र प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 65 GSM पेपर चल जाता है, लेकिन सजेशन नहीं रहेगा आप मिनिमम 70 GSM या फिर उससे 75 GSM तक का पेपर यूज करेंगे। लेकिन यदि आप इंकटैंक प्रिंटर यूज कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 70 GSM ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे वाला पेपर यूज करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी, पेपर जाम का एरर आता रहेगा या पेपर हमेशा मुड़ जाएगा तो हमेशा पेपर जाम का ही एरर आता रहेगा। तो उसमें बहुत सारे पेपर आते हैं, जैसे कि हमारे पास सेंचुरी ब्रांड का है जिसका नाम है ग्रीन, ये 70 GSM का पेपर आता है और ये जो पेपर है A4 साइज में आता है और इसे डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंपनी है इकोराइज करके, ये भी A4 साइज का पेपर है, ये भी 70 GSM का आता है, इसे भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में ले सकते हैं। इनमें और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे जो इकोराइज है ये JK का ब्रांड है, JK के नाम से और भी मॉडल आते हैं, जैसे इकोराइज है जैसे कि JK ब्रांड में JK कॉपियर है, इसमें A4 साइज का आता है लेकिन ये 75 GSM में आता है। उसके बाद एक येलो में आता है, यानी कि जो ये रेड दिख रहा है, रेड कवर आ रहा है, उसी में एक येलो पेपर आता है, तो उसमें भी जो पेपर आता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके अभी बाद में बात करेंगे, अभी हम 70 GSM पे बात कर रहे हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज करें तो कम से कम आप 70 GSM यूज करें, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन उसमें ये सुनिश्चित कर लें कि जो भी ब्रांड का अगर आप पेपर ले रहे हैं तो उस पेपर के बंडल में ये 2-4 पेज या फिर मान के चलिए 20-25 पेज अगर लेकर अगर थोड़ा सा हिलाने पर उसमें से डस्ट गिरता है तो वो पेपर आपके प्रिंटर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वो पेपर के जितने भी डस्ट हैं आपके प्रिंटर में जाकर रुकेंगे, हेड पे इकट्ठा होंगे, जिससे कि प्रिंटर का हेड जाम होने का ज़्यादा चांसेस होता है। वैसे लेज़र प्रिंटर में तो हेड का कोई मतलब नहीं, वो कार्टेज पे चलता है तो लेज़र प्रिंटर में सारे पेपर चल जाते हैं, लेकिन इंकजेट में ये सारी दिक्कत आती है, तो इंकजेट प्रिंटर अगर यूज करते हैं तो ये सोच समझ के पेपर लेना चाहिए कि जो भी पेपर ले रहे हैं वो सही ढंग का है, यानी कि खुरदरा भी रहेगा तभी भी आपके प्रिंटर को नुकसान पहुँचा सकता है और उसमें डस्ट रहेगा तभी भी नुकसान पहुँचा सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये तो रहे सबसे कम GSM का यानी कि 70 GSM का पेपर, उसके बाद अब 75 GSM के तरफ चलते हैं। हमारे पास रुचिरा का रोजाना पेपर है जो कि 75 GSM का है, ये भी पेपर अच्छा पेपर है, इसे भी आप डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए ले सकते हैं। 75 GSM में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि हमने ये दिखाया है रुचिरा का, उसके बाद हमारे पास JK का इको राइज है, ये भी 75 GSM है, उसके बाद इसी में आता है JK का कॉपियर 75 GSM में A4 साइज का, उसके बाद आता है स्पेक्ट्रा करके आता है, स्पेक्ट्रा में भी 75 GSM आता है, उसके बाद यहाँ पे सेंचुरी का स्टार पेपर आता है, ये भी 75 GSM है, ये भी पेपर बहुत ही अच्छा है। इन सभी कंपनियों में अगर 75 GSM लेते हैं तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लास्ट में वही चीज़ें होती हैं जो अभी हमने बताया है कि उन कोई किसी भी कंपनी का लें लेकिन उसमें देख लें कि उसमें डस्ट नहीं है, वो हमेशा प्लेन पेपर रहे तो अच्छा प्रिंटिंग होती है, अगर खुरदरा है तो इंक ज़्यादा सोखता है या फिर इंक उड़ने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये तो रहे 75 GSM, ये सभी डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग और फोटोकॉपी के लिए यूज किए जाते हैं। ये जितने भी बता रहे हैं ये अच्छे ब्रांड हैं, इनमें से कोई भी आप परचेस कर सकते हैं जो भी आपके एरिया में मिलता हो या अवेलेबल हो। उसके बाद A4 साइज के बाद आता है FS साइज, जो कि हमारे पास JK का 70 GSM में है, 70 GSM में FS साइज है, 75 में भी FS साइज आता है, तो दोनों में कोई भी आप पेपर यूज कर सकते हैं। FS साइज में थोड़ा सा अंतर होता है A4 साइज से, आपको दिखा दे रहे हैं,
जैसे कि ये A4 साइज़ है, आप देख सकते हैं कि A4 साइज़ का सारा थिकनेस सब बराबर है, बशर्ते इसमें लगभग 2 इंच का लंबाई बढ़ जाती है। तो FS साइज़ A4 साइज से बड़ा होता है। ये पेपर गवर्नमेंट ऑफिस में यूज किए जाते हैं, तो इसका जहाँ पर भी यूज हो अपने अनुसार इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत कम मात्रा में बिक्री होती है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद आता है A3 साइज का पेपर, जो कि इसका साइज A4 साइज के दुगुना होता है। ये देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको आपको दिखाएं, तो जैसे यहाँ पे A4 साइज का ये पेपर है, उसके बाद एक और A4 साइज रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि A4 साइज के पूरा दुगुना में है। यहाँ पे इधर भी दिखा दे रहे हैं और इस साइड भी दिखा दे रहे हैं। ये A4 साइज के दुगुना पेपर आता है। ये A3 पेपर मैक्सिमम ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि घर का अगर नक्शा बनता है तो उसमें यूज किया जाता है, या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन में अगर कोई ड्राइंग बनाई जाती है तो इस पेपर का यूज किया जाता है। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि JK का है, JK सेंचुरी में भी आता है, उसके बाद रुचिरा में भी आता है और स्पेक्ट्रा में भी आता है। जो भी कंपनी आपके एरिया में अवेलेबल हो उनमें से ये ले सकते हैं। उसके बाद इसको साइड में रखते हैं। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा मोटा पेपर के बारे में। 75 GSM से ऊपर 80 GSM का पेपर आता है। इसी में JK बॉन्ड में आता है, और भी कंपनियां आती बनाती हैं, लेकिन JK सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि इसका पेपर बहुत ही अच्छा होता है बाकी कंपनियों के तुलना में देखा जाए तो। JK में जो बॉन्ड पेपर कहा जाता है वो 80 GSM से स्टार्ट होता है, और 80 GSM के बाद 90 GSM आता है, 100 सीट में आता है, उसके बाद 100 GSM का आता है। और ये बॉन्ड जो पेपर होते हैं, ये जो नॉर्मल पेपर होते हैं जैसे कि जेरोक्स वाले पेपर होते हैं, उन पेपरों से इसका मोटापा अधिक हो जाता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें शाइनिंग आने लगती है। ये पेपर मैक्सिमम, जैसे कि आप जनसेवा केंद्र चलाते होंगे तो आय निवास और जाति बनाते होंगे, तो उनमें ये पेपर यूज किए जाते हैं। इस समय ई स्टाम्प ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, जैसे कि अब तहसील से स्टाम्प बिकना बंद हो चुका है, अब जनसेवा से जिसके पास इसका लाइसेंस है वहाँ से बिक रहा है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कागज़ गवर्नमेंट देती है, जो कि पहला पेज होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से पेज मिलता है, उसके पीछे जो भी पेज लगाए जाते हैं वो बॉन्ड पेपर लगाया जाता है। कुछ लोग 75 GSM लगा देते हैं, तो मैक्सिमम ये लोग लगाते हैं, तो उसमें ये बॉन्ड पेपर यूज किया जाता है, या फिर आय जात निवास में यूज किया जाता है, या फिर बहुत लोग इसका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप अपने अनुसार जितना GSM यानी कि मोटा पेपर यूज करना चाहते हैं तो बॉन्ड पेपर यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने अनुसार जीरोक्स में या फिर कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो 70-75 GSM का पेपर यूज कर सकते हैं। वैसे जितने भी पेपर के बारे में बताए हैं, जितने भी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां अच्छी हैं, इनमें से कोई भी पेपर ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप पेपर परचेस करने जाएं, तो जो भी हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ध्यान रखने के बाद ही पेपर को खरीदें, और अच्छी कंपनियों यानी अच्छे ब्रांड का ही पेपर लें, जिससे कि आपके प्रिंटर की लाइफ बनी रहे, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए उस पर लिखावट बरकरार रहे। और इन सभी पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।